देखिए ये समय धान की पौध लगाने का चल रहा है और देश के अधिकतर हिस्सों में 20 या 25 जून तक धान की पौध लगा लेनी चाहिए हालांकि एक किस्म के ऊपर निर्भर करेगा जो किसान भाई लंबी अवधि की किस्में लगा रहे हैं उनको धान की पौध जल्दी लगानी पड़ेगी और जो किसान भाई कम अवधि की किस्म लगा रहे हैं उनको थोड़ी पछेती पौध लगानी पड़ेगी वो तभी आप अच्छी बढ़वा ले सकते हैं तभी पैदावार ले सकते हैं और यहाँ पे उद्देश्य हमारा ये होता है कि हमें स्वस्थ पौध तैयार होनी चाहिए अगर पौध हमारी स्वस्थ होगी तभी खेत में उससे अधिक कल्ले निकलेंगे अधिक बढ़वार होगी और फसल से हमें अधिक आमदनी प्राप्त होगी देखिए जब हम नर्सरी की बुआई करने जा रहे होते हैं बीज की बुआई करने जा रहे होते हैं उस समय हमें देखना चाहिए कि मिट्टी हमारी अच्छी हो उपजाऊ मिट्टी हो और वो ऊपरी स्थान पर हो ऐसा ना हो उसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता हो जल निकास की समस्या हो यानी जल निकास वाली मृदा लें और ऊंचे स्थान पर लें और दूसरे ये पानी के स्रोत के पास होना चाहिए क्योंकि नर्सरी को बार बार हमें सिंचाई करनी पड़ती है और दूसरे खेत हमारा समतल भी होना चाहिए मिट्टी पलटने वाले हल से उसमें जुताई करते हैं और खेत में पानी खड़ा रहता है करीब पाँच से छः सेंटीमीटर पानी खेत में खड़ा कर लें और उसमें दो तीन बार पडलर से या हैरों से या कल्टीवेटर से या मिट्टी पलटने वाले हल से या जो भी यंत्र आपके पास हो उससे आप उसमें जुताई करें जिससे कि मिट्टी हमारी लेह युक्त हो जाए और जब आप आखिरी बार उसमें जुताई कर रहे होते हैं उस समय पर हमें खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जैसा कि हम जानते हैं कि एक हेक्टर में अगर हमें रोपाई करनी है तो उसके लिए उसका एक बटा दस हिस्सा यानी कि एक हज़ार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी तैयार करनी पड़ती है अगर शंकर किस्म है तो उसमें सात से आठ वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हम नर्सरी तैयार करते हैं एक वर्ग मीटर में हमें करीब सात से आठ किलोग्राम गोबर की गली सड़ी खाद दस बारह किलोग्राम यूरिया और 15 से 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फेड 5 से 6 किलोग्राम म्यूरोटा पोटाश और अगर जिंक की कमी है तो 2 से ढाई किलोग्राम जिंक प्रति 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में जब आखिरी जुताई कर रहे होते हैं तब उसमें हमें मिला देना चाहिए अच्छे से मिला देना चाहिए और अंत में फिर खेत को पाटा लगाकर कर समतल कर लेना चाहिए इसके बाद हम इस खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बाँटते हैं एक क्यारी की चौड़ाई जो है सवा मीटर रखनी चाहिए और दो क्यारियों के बीच में करीब 50 सेंटीमीटर की आधा मीटर की हम नाली रखते हैं ध्यान रहे जो लंबाई है उसकी वो लंबाई आप सुविधा अनुसार कर सकते हैं दो मीटर कर सकते हैं पाँच मीटर कर सकते हैं लेकिन चौड़ाई सवा मीटर रखनी है ये जो हमारे बीच में नाली बनी है ये सिंचाई का काम कर सकती है और साथ में ज़रूरत पड़ने पर जल निकास का भी काम कर सकती है और जब हम खरपतवार खेत से निकालते हैं तब नाली में इसमें बैठ के आसानी से आदमी या मजदूर जो है वो खरपतवारों को निकाल सकता है